हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है। ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन लॉग x2 + y2 dx / dy वेयर g इक्वल टू xy, x बिलोंग्स टू r स्क्वायर और जहाँ पे x2 + y2 की वैल्यू रेंज जो है ये है एज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन भी दिए हुए थे। जो ऑप्शन थे वो थे ए पाई, बी टू पाई, सी थ्री पाई एंड डी फोर पाई। तो फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो। अब फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसको सॉल्यूशन, फ्रेंड्स ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन और पहले इसको पुट कर लेते हैं इस एरिया को, जी एरिया कौन सा है हमारे पास। अगर इसको हम 2D ग्राफ पे पुट करना चाहें तो दो सर्कल है हमारे पास, एक तो x2 + y2 जो है वो ग्रेटर देन 1 यानी x2 से बन रही है हमारे पास x2 + y2 > 1 और यहाँ से x2 + y2 < e2 यानी जो ओरिजिन है वो 0 है और रेडियस 1 एंड ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेडियस 1 एंड ये रेडियस ई स्क्वायर और इसके बीच का एरिया पूछा गया है, मतलब कि ये एरिया हमसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया क्या होगा, हमें ये एरिया निकालना है। इसको हम निकालने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। इसको अगर हम सिंपली एरिया पूछते तो हम निकाल लेते, लेकिन इस फंक्शन के करस्पोंडिंग पूछा गया है तो इस फंक्शन के करस्पोंडिंग निकालने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा ये ले लिया, तो हमारे पास यहां से हो जाएगा x2 + y2 = r2 क्योंकि x2 + y2 = r2 cos2 θ r2 sin2 θ और r2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा। और थीटा की अगर रेंज देखें यहां से हम, तो थीटा की रेंज जो है वो बेसिकली पहले यहाँ स्टार्टिंग से ही जा रही थी पूरी, तो थीटा की रेंज जो है वो है 0 to 2π, जीरो से रेंज बढ़ के और लास्ट 2π तक जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहें इस इंटीग्रेशन को, तो हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन जी लॉग ये x2 + y2 ये हो गया r2 / r2 और dx/dy जो हो जाता है r d थीटा dr ये हो गया। तो यहां से अगर अब हम आर की रेंज लिखे तो आर बराबर जो है वो है हमारे पास आर बराबर यहां से 1 to e, तो ये हो गया आर बराबर 1 to e और थीटा हो गया 0 to 2π ये हो गया। फ्रेंड्स, अब हमें यहां से अगर देखें तो यहां से आर कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 0 to 2π, ये तो थीटा की रेंज है, ये हो गया आर बराबर 1 to e लॉग r² / r और डी थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। अब अगर हम यहां पे लेट लॉग r² / t, तो लॉग r² / t लेंगे तो 1 / r², लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 / r² और 2 r dr = dt आएगा। तो यहां से हमारे पास r² से r गया 1 / r dr और 2 / r dr = dt ये आ गया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरा हमने क्या ले लिया t, ये हो गया हमारे पास 0 to 2π और ये हो गया हमारे पास t log r² को हमने ये ले लिया था, ये हो गया हमारे पास अपॉन, फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log r² को 2 log r भी लिख सकते हैं, तब भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने सिंपली अभी इसी तरह से किया है t अपॉन और 1 / r है, 1 / r की जगह चाहिए तो 1 / r dr = dt, तो ये हो गया हमारे पास
डी टी अपॉन टू, तो डी टी अपॉन टू, और ये हो गया हमारे पास आर बराबर वन टू ई एंड डी टी, क्योंकि वन अपॉन आर की जगह हमारे पास वन अपॉन आर डी आर की जगह डी टी अपॉन टू ये लिख चुके हैं हम, ये हो गया हमारे पास अब और डी थीटा, ये हो गया यहां से जीरो टू टू पाई, और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो इंटीग्रेशन करने पे टी स्क्वायर अपॉन फोर या टू और आएगा तो ये हो जाएगा फोर, यहां वन अपॉन फोर को बाहर ले सकते हैं, ये हो गया आर बराबर वन टू ई, और तो टी की जगह हम वैल्यू पुट कर दे, टी की जगह क्या वैल्यू है लॉग आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास जीरो टू टू पाई लॉग आर स्क्वायर, और वन अपॉन फोर बाहर है ही, और ये हो गया आर बराबर वन टू ई। तो फ्रेंड्स यहां से अगर यहां से हम देखें तो ये हो गया जीरो टू टू पाई बाहर है ही, और लिमिट अप्लाई कर देते तो ई अप्लाई करने पे लॉग ई स्क्वायर, तो लॉग ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ई स्क्वायर की वैल्यू टू हो जाएगी अपॉन, और फोर जो है इस वन अपॉन फोर को बाहर ले आते हैं, वन अपॉन फोर ये हो गया टू, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन की आर बराबर वन, तो लॉग वन वैल्यू जो जीरो होती है, और फिर डी थीटा ये हो गया हमारे पास, तो यहां से हो गया जीरो टू टू पाई और ये वन अपॉन टू ये हो गया। ये हो गया तो हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं इसको टू डॉट डी, सॉरी टू तो बाहर ले गए डी थीटा, तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन टू थीटा, ये जीरो टू टू पाई, तो यहां से हो गया वन अपॉन टू टू पाई माइनस जीरो, तो ये हो गया हमारे पास पाई, तो पाई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स।